खबर उद्धम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पूर्व विधायक के अथक प्रयासों के बाद जसपुर क्षेत्रवासियों को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की सौगात मिली है और इसका निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से लगभग 47 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं और क्षेत्र में नवोदय विद्यालय बनाने के बाद बच्चों को इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने कहा कि वर्ष 2004 में जब मुझे पहली बार विधायक चुना गया था, उस समय शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया था और लगभग 5 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सहयोग से नवोदय विद्यालय के लिए मंजूर हुई थी और कई कारणों के चलते यहां नवोदय विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सन 2004 में जब मैं पहली बार विधायक बना था तो शिक्षा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर बनाने के लिए उस समय मैंने प्रयास करके ये वन भूमि जो 5 हेक्टेयर भूमि नवोदय विद्यालय के नाम माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के सहयोग से उस समय हुई थी और जब से किन्हीं कारणों से यहाँ जो नवोदय विद्यालय का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब जो एक खटीमा में अस्थायी रूप से सन 2012 से वहाँ चल रहा था, पर अब वहाँ आवश्यकताएँ ज़्यादा हैं, बच्चे क्लासेस छोटी हैं, तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो नवोदय विद्यालय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थायी भवन जसपुर में ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर भूमि उपलब्ध है। तो 12.5 एकड़ के करीब भूमि है और 47 करोड़ रुपये का यहाँ पर एस्टिमेट बना है, जिसका टेंडर भी हो गया है। अब उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा और फिर क्षेत्र और पूरे ज़िले के मेधावी छात्र जो हैं, गरीब छात्र हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा।